नमस्ते दोस्तों, मैं सुधीर अंश स्टूडियो से आप लोगों के लिए एक बार फिर से वन क्लिक एल्बम का ट्यूटोरियल लेके आ रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि ऑटो एल्बम एक उसमें फीचर दिया हुआ है ऑटो एल्बम, जिसके अंदर आप एक ही बार में पूरा आपका एल्बम तैयार हो जाएगा। वो कैसे होगा ये वीडियो में हम बताएंगे। इस फीचर में आप जैसे आपका 300 फोटो है और आप चाह रहे हैं कि मुझे 6 पेज के एवरेज से या अलग अलग हर पेज पे जितना चाहिए फोटो लगा के एक ही बार में पूरा एल्बम बनाना है, 40-50 पेज जो भी आपका एल्बम बनाना है, एक ही बार में एल्बम बनाना हो, वो सारे एल्बम एक ही बार में बन जाएंगे। वो जितने भी पेज होंगे सब एक ही बार में आपका बन जाएगा इस फीचर से। इसका नाम है ऑटो एल्बम। इसमें हमें कैसे काम करना है, किस तरीके से काम करता है ये वीडियो में हम आगे देखेंगे। बाकी कोई डाउट होगा तो आप कॉल करके या मैसेज से, व्हाट्सएप से आप बातें कर सकते हैं। देखते हैं सॉफ्टवेयर हमारा कैसे काम करता है। यहाँ पे जिससे आप लोगों ने बेसिक वीडियो देखा ही है, बेसिक इसका डेमो ट्यूटोरियल कि ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट करना है। न्यू करना है, यहाँ पे नाम डालना है और यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ ऑटो एल्बम। इस एल्बम का नाम डालता हूँ ऑटो एल्बम। आप कुछ भी नाम डाल सकते हैं, जैसे आप जितना एल्बम बना रहे हैं उनका नाम डालिए। लोकेशन में जहाँ पे भी आपको एल्बम बना के सेव करना हो, इमेज फोल्डर में जैसे हमें कोई जिसमें हमारा फोटो रहता है उस वाले फोल्डर को सिलेक्ट करना होता है। और टेम्पलेट यहाँ पर जैसे साइज ले लिया हमने, यहाँ पे ध्यान देना होता है कि जिस साइज का हमें एल्बम बनाना है वही साइज सिलेक्ट करना है और उसी साइज का टेम्पलेट भी हमें सिलेक्ट करना होता है। जैसे अगर मैंने 12:36 किया हुआ है तो 12:36 का ही यहाँ पे टेम्पलेट सिलेक्ट कर सकते हैं। 12:36 का जैसे प्री वेडिंग का दिया हुआ है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 चार वॉल्यूम इनर सीट का दिया हुआ है, यहाँ पे डीएम के लिए 2 वॉल्यूम दिया हुआ है। जैसे मैंने वॉल्यूम 4 देखते हैं, वॉल्यूम 4 में थोड़ा सा हमारा डेकोरेटिव टाइप में डिजाइन है, कर्सिव टाइप में आपका राउंड टाइप में आपका इसमें फ्रेम बना हुआ है, मास्किंग बना हुआ है, तो इसमें आप देख सकते हैं। जिनको सिंपल डिजाइन चाहिए वो 2 और प्री वेडिंग यूज कर सकते हैं। तो मैं 4 नंबर का डिजाइन, मैं 4 नंबर पैक को सिलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ। यहाँ पे क्रिएट एल्बम करते हैं। देखेंगे जितने भी फोटो, अब यहाँ देखेंगे तो जितने भी फोटो सारे फोटो ऐड हो गए, जैसे 286 फोटो है। और यहाँ पे टेम्पलेट में दिखा रहा है कि हमारा कितना टेम्पलेट है, 219,937 टेम्पलेट। इस टेम्पलेट के अंदर जो मैंने टेम्पलेट अभी सिलेक्ट किया था फोल्डर 4 नंबर, उसके अंदर ये सॉफ्टवेयर बता रहा है इसमें इतना टेम्पलेट है। अब मैंने बताया था कि ऑटो एल्बम कैसे काम करता है। उसके लिए हमें यहाँ पे फोटो को सिलेक्ट करना होता है। जैसे आप मान लीजिए ये फर्स्ट पेज है, मैंने 7 फोटो सिलेक्ट कर लिया। इसमें क्या है कि आप अपने हिसाब से जितना चाहिए उतना फोटो सिलेक्ट कर सकते हैं, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 12। इसके बीच का कोई भी फोटो सिलेक्ट करिए और यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है ऐड टू पेज, इस पर क्लिक करना है आपको। आप देखिए यहाँ पे पेज एक ऐड हो गया। केवल आपको फोटो सिलेक्ट करना है और ऐड टू पेज करना है। आपको ये नहीं देखना है कि मैंने वर्टिकल करना है कि हॉरिजॉन्टल, किसी भी टाइप का फोटो हो फोटो सिलेक्ट करिए और ऐड टू पेज करिए। किसी पे 6 कर लीजिए, किसी पे 7 कर लीजिए, आपकी मर्जी है, या सब पे 6 करना है तो 6 ही कर लीजिए आप। किसी भी टाइप का फोटो हो, हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो। और ये सॉफ्टवेयर 10 मिनट के अंदर आपको 50 शीट बना के देगा, मात्र 10 मिनट में। आप देखेंगे यहाँ पे मैं आपको टाइमिंग भी दिखाऊंगा, ये 10 मिनट के अंदर सॉफ्टवेयर 50 सीट आपको एल्बम बनाएगा। केवल आपको फोटो सिलेक्ट करना है और ऐड टू पेज पे क्लिक करना है। फोटो सिलेक्ट करिए शिफ्ट बटन के साथ या कंट्रोल बटन के साथ एक एक कर सकते हैं, और शिफ्ट बटन के साथ में एक ही बार में, जैसे यहाँ पे स्टार्ट क्लिक किया इधर क्लिक करिए, शिफ्ट के साथ में एक ही बार क्लिक हो जाता है। और फोटो का यहाँ पे काउंटिंग दिखाता है, जैसे 7 फोटो सिलेक्ट किया। अब हमारा पेज भी यहाँ पे दिखा रहा है, 9 पेज हमने ऐड कर लिया, 10 कर लिया, मैं टोटल 12-13 पेज ऐड कर लेता हूँ। केवल ऐड टू पेज करना है। इस तरीके से आपकी मर्जी है, आप 30, 40, 50 जो भी पेज आपको ऐड करना है, और जितना पेज ऐड कर लेंगे ना सारे फोटो पे लिख के आ जाएगा कि ये फोटो हम किसी न किसी पेज पे ऐड कर लिया है, उस पर लिख के आ जाएगा यूजीन एल्बम। अब यहाँ पे देखेंगे एक बटन दिया हुआ है ऑटो एल्बम। अब मैं जैसे यहाँ पे ऑटो एल्बम पे क्लिक करूँगा, ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा, 12 पेज मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, अब ये 12 पेज को ऑटोमेटिक एल्बम बनाकर सेव कर देगा। JPG और PSD दोनों फॉर्मेट में
JPG और PHD दोनों फॉर्मेट में, जहाँ पे मैंने एल्बम बनाया था, जिस लोकेशन पे जो एल्बम का नाम डाला था, उसी फोल्डर के अंदर JPG और PHD दोनों फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। ये देख रहे हैं कि ये सॉफ्टवेयर अपने आप काम कर रहा है। और घड़ी देख के, आपके पास घड़ी होगा, आप टाइम देख लीजिएगा, घड़ी देख के 12 सीट बनाने में मैक्सिमम 2.5 मिनट के अंदर ये हमारा पूरा एल्बम बन के सेव हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे होंगे कि एल्बम पेज बन रहा है और सेव होते जा रहा है। इस तरीके से आप अपना 50 पेज हो, 40 पेज हो, 50 पेज का एल्बम आप अपने मैक्सिमम कोई भी किसी भी टाइप का सिस्टम हो तो आप 15 मिनट मान लीजिए 20 मिनट लग सकता है, इससे ज़्यादा नहीं लगने वाला। एक पेज का एवरेज जो है 10 से 12 सेकेंड है, यानी 10 से 12 सेकेंड में एक पेज आपका रेडी हो जाता है और बन के सेव हो जाता है JPG PHD दोनों फॉर्मेट में। और बनने के बाद अगर आपको लगता है किसी पेज का डिज़ाइन चेंज करना हो, किसी पेज का फ़ोटो चेंज करना हो, किसी पेज का बैकग्राउंड चेंज करना हो, किसी पेज में हमें फ़ोटो ऐड करना हो या फ़ोटो रिमूव करना हो, दूसरा फ़ोटो लगाना हो, वो जितने भी कस्टमाइज आप कर सकते हैं, बनने के बाद भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखिए हमारा 10 पेज बन चुका है, यहाँ पे 11 पेज बन चुका है, एक पेज और बाकी है और मैक्सिमम 2 से 2.5 मिनट लिया। यहाँ पे देखिए 12 पेज सक्सेस क्रिएटेड लिख के आ गया। अब आपका क्वेश्चन, मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे पेज बनने के बाद भी आप चेंज कर सकते हैं, उसके लिए आपको जो भी आपको डिज़ाइन लगता है कि मुझे सही नहीं है या फोटोज में ऐड करना हो या डिज़ाइन चेंज करना हो, केवल आपको पेज पर डबल क्लिक करना है। पेज पर डबल क्लिक करेंगे वो पेज ओपन होगा और इसमें जो भी फ़ोटो लगा होगा वो फ़ोटो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाते हैं और केवल आपको यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है चेंज डिज़ाइन। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये फ़ोटो वही रहेगा और डिज़ाइन को चेंज कर देगा। ये देखिए फ़ोटो वही रहा और डिज़ाइन चेंज। जितनी बार आप क्लिक करेंगे उतनी बार आपको अलग डिज़ाइन मिल जाएगा चेंज डिज़ाइन से। सपोज इसके पीछे का मुझे बैकग्राउंड चेंज करना है, बैकग्राउंड अपना भी अपने हिसाब से रख सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। जो भी आपको बैकग्राउंड चाहिए, हल्दी का चाहिए, हल्दी का बैकग्राउंड है यहाँ पे, ओके करिए। और यहाँ से आपको अगर गोल्डन बैकग्राउंड लगाना है तो वही बैकग्राउंड लगा लीजिए, डबल क्लिक करिए, बैकग्राउंड भी चेंज। तो आपको जिस टाइप का बैकग्राउंड चाहिए वो बैकग्राउंड आपको यहीं पे मिल जाता है, सेव करिए। ये अगर मैंने 10 नंबर पेज ओपन किया था तो ये 10 नंबर के ऊपर ही जाके ओवरराइट हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये 10 नंबर पेज को ही रिप्लेस कर देगा। देखिए 10 नंबर पेज पे अपने आप सेव हो गया, डिज़ाइन वही आ गया। इस तरीके से आप किसी भी पेज को कस्टमाइज, मॉडिफाई, कुछ भी करना हो, आपको फ़ोटो चेंज करना हो, डिज़ाइन चेंज करना हो, बैकग्राउंड चेंज करना हो, आप इजीली कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि ये 10 नंबर पेज को मैंने चेंज किया और ये चेंज हो गया। किसी भी पेज को डबल क्लिक करेंगे ये ओपन होगा, किसी भी पेज को आप डबल क्लिक करिए ये ओपन हो गया पेज यहाँ पे। और इसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, इसमें 8 फोटो यूज हुआ है, यहाँ पे देखिए दिखा रहा है सॉफ्टवेयर, ये ऑटोमेटिक उस इमेज को डिटेक्ट करता है जो इस पेज के अंदर लगा हुआ है। यहाँ पे बता रहा है कि कितना इमेज लगा हुआ है। अब मैं देखता हूँ, जैसे ये 8 फोटो का, अब मुझे इसका डिज़ाइन चेंज करना है तो चेंज डिज़ाइन करूँगा मैं और यहाँ से डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। और या इसमें कोई फ़ोटो चेंज करना हो तो फ़ोटो चेंज कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पहले डिज़ाइन देख लूँ इसके बाद डिज़ाइन चेंज करूँ, तो यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है व्यू ऑल टेम्पलेट। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पे एक विंडो ओपन होगा। देखिए यहाँ पे जितना भी टेम्पलेट था 8 इमेज के अकॉर्डिंग सारे यहाँ पे टेम्पलेट आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, जितने भी यहाँ पे टेम्पलेट थे 8 फोटो का, सारे टेम्पलेट आ गए। आपको इसमें से जो टेम्पलेट चाहिए उस टेम्पलेट पे डबल क्लिक करिए, वही टेम्पलेट आपके सामने सेम वैसे ही टेम्पलेट बन जाएगा। जैसे मुझे ये वाला डिज़ाइन बनाना है, मैंने इस पर डबल क्लिक किया, देखिए यही डिज़ाइन बन जाएगा इधर, फोटो वही रहेंगे, डिज़ाइन आपका चेंज। तो इस तरीके से आपका ऑटो एल्बम बनने के बाद भी अगर आपको लगता है मुझे कुछ करेक्शन करना हो, कुछ चेंज करना हो, किसी पिक का लाइट मुझे कम करना हो, ज़्यादा करना हो, तो यहाँ से आप लाइट का भी इफेक्ट कर सकते हैं। जैसे कलर एडजस्टमेंट दिया हुआ है तो आप लाइट कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, या फ़ोटो चेंज करना हो फोटो चेंज कर सकते हैं। सपोज मुझे ये फ़ोटो नहीं चाहिए यहाँ पे, मुझे ये दूसरा ये वाला फ़ोटो चाहिए या इस लड़की का चाहिए, तो
तो इस पर डबल क्लिक करके ये फोटो भी हम चेंज कर सकते हैं और सेव करिए। फिर से ये उसी पेज पे सेव हो जाएगा, जेपीजी और पीएचडी दोनों फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना पूरा एल्बम कुछ मिनटों में अपना पूरा एल्बम बना सकते हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि सॉफ्टवेयर कैसे बनाता है ऑटो एल्बम में। चलिए देखते हैं कि हमारा एल्बम बनने के बाद जो सेव हुआ है वो किस टाइप से बना हुआ है, कहाँ बना हुआ है, कैसा पेज सेव है। इसको मिनिमाइज करते हैं। देखिए यहाँ पे ऑटो एल्बम के नाम से मैंने जो फोल्डर बनाया था, ये फोल्डर ओपन करते हैं। देखते हैं बाहर जो बना हुआ फाइल, ये पीएचडी में यानी सॉफ्टवेयर ने दोनों फॉर्मेट में सेव किया हुआ है, पीएचडी भी और जेपीजी भी। जेपीजी को देखते हैं, डबल क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं, ये हमारा जेपीजी है। जो भी डिज़ाइन था बिल्कुल वैसा ही डिज़ाइन जो हमने देखा वहाँ पर, वही डिज़ाइन बनाया हुआ है सॉफ्टवेयर। ये देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं आप। डिजाइन रेडी है हमारा। अब आप इसको लैब में भेजिए और प्रिंट कराइए। इस तरीके से आप अपने पूरे दिन में कम से कम एक घंटे के अंदर अपना 5 एल्बम बनाइए। आप इस तरीके से अपना एल्बम फटाफट बना के प्रिंट के लिए आप दे सकते हैं और फोटो की क्वालिटी भी बिल्कुल एज इट इज रहती है। आप यहाँ पे क्वालिटी भी चेक कर सकते हैं, मैं जूम कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं। इस तरीके से अपना पूरा एल्बम आप कुछ मिनटों में बना सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।